टाइम नेटवर्क की फेसबुक के पेज से अब से 3 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पानी छोड़ने वाली है रामपुर शहर में और निचले गांवों में पानी आ सकता है। क्या नाम है आपका? संजय। संजय भाई, ये हम देख रहे हैं पीछे आपने अपने ये सारे जानवर वगैरह सड़क पे बांध रखे हैं, क्या आपको 3 दिन पहले खबर नहीं की थी गवर्नमेंट ने कि पानी आने वाला है? हमें नहीं पता चला था, तो रात निकाले हैं पानी में से जानवर भी, अभी 4-5 बंदे अंदर फंसे हुए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प अभी? अभी तक तो कोई हेल्प नहीं। आपका क्या नाम है? भजन। भजन भाई, आपके खाने पीने का कोई इंतज़ाम? कोई इंतज़ाम। आपके भी कुछ लोग फंसे हुए हैं क्या? हाँ, अभी अंदर ही हैं, 5 लोग हैं। तो 50-60 बकरी मर गई। तो बहुत तबाही हुई आपकी। सब धान मान सब खत्म हो गए। तो ये जानवरों को ही बचा लिया, ये बोल रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं। आप कुछ कहेंगे गवर्नमेंट से? कुछ आपकी डिमांड है क्या? कुछ करना चाहिए आपके लिए? हाँ, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, वरना तो अब कुछ बचेगा? सभी खत्म हो गया हमारा तो। मैं आपका? मेरा गुलाब नाम है। गुलाब, आपका क्या था नीचे जो तब धान थे? धान धान थे। कुछ बचा पाएंगे उसमें या सब तबाह हो गए? सब तबाह हो गए, वो सभी गए। सब गए। आपका भी कुछ था? लाई थी, उसमें से कुछ बचा पाएंगी? नहीं, तो ये आपको कल रात खबर की थी या पहले से खबर कर दी थी आपको? नहीं, कल रात ही पता लगा पानी का। तो पानी आने के बाद पता लगा है? आप पड़े रहे हमारे छड़ हुए। अच्छा, धान पड़े रहे। 2-3 दिन पहले से आपको नहीं बताया था? ना। आपको बताया था 2-3 दिन पहले? जी नहीं, रात ही पता चला। जब पानी आने के बाद पता चला है आपको? रात पता चला जब पानी आया। बिल्कुल नीचे आप देखेंगे ये सामने रामलीला ग्राउंड है, ये अभी चंद रोज़ पहले ही यहाँ रावण जलाया गया था। आप देखेंगे ये पूरा शहर, ये पूरा इलाका पानी से भर गया है। जैसे लोगों की शिकायत है कि गवर्नमेंट ने हमें पहले से अलर्ट नहीं किया, हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और इसको हमने रियल टाइम नेटवर्क की फेसबुक चैनल पर हमारे संवाददाता ने इसको शेयर भी किया था अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर हेडलाइन के साथ।